प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके तहत झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। वहीं जेपीएससी 2023 के कट ऑफ डेट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। झारखंड में 140 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राज्य के 50 साल के SC ST और 50 साल की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन का लाभ देने का कैबिनेट ने फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक करने की मंजूरी दी गई। ये लोन 7.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। वहीं 7,000 से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद पर सृजन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी भी दी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ किट वितरण योजना को मंजूरी मिली है। इसमें 1500 करोड़ की लागत आएगी। इसके तहत 6 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। परिषद की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उपनिदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड हजारीबाग, सहनिदेशक समिति को सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके पेंशन से 10% की मासिक कटौती 10 वर्षों तक किए जाने एवं इनके निलंबन अवधि दिनांक 10/8/2009 से 9/6/2013 तक के लिए इन्हें भुगतान किए गए जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्रदान नहीं किए जाने से संबंधित प्रस्ताव। ये अब दिया जो वर्षों से बुझा हुआ है, अब ये जलने को तैयार। अभी देखिए ना, बहुत कुछ अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने 20 वर्षों तक में करा किया है। आज यही वजह है कि आज कई सारे निर्णय राज्य सरकार को लेते हुए आप देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज का कैबिनेट में हुआ है, कुछ स्कूल्स जो मिडिल स्कूल था उसको जो है अपग्रेडेशन किया गया है। इस तरह कुछ सड़क के था तो कुछ महत्वपूर्ण योजना। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो 1500 करोड़ रुपया का रखा है, वो क्या उस किट में मिलेगा पूरा? वो किट जब आएगा तो आपको पता चलेगा। निश्चित तौर पर महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसके लिए रखा गया है।